बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्लास आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 10। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर बायो का, और इसमें आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है वो देखेंगे। आज हमने बेसिकली डिफरेंट फाइलम्स को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का जो इंट्रो था और उससे रिलेटेड जो जो हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट किस्म के फाइलम्स एनिमल्स के पाए जाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉलीफरा से और सो ऑन आगे चलेंगे। उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू ALP स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो कि आपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। साथ साथ हम इसको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे। जिस पॉइंट पर इशू होगा आपको, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा फाइलम पॉलीफरा के अंदर आपको सबसे पहली टर्म मिलेगी एंट्रॉन्स। एंट्रॉन को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब क्या? कैविटी का मतलब एक स्पेस, ठीक है, एक ओपनिंग। और यहाँ पर गैस्ट्रो का मतलब आपको पता क्या होता है? गैस्ट्रो स्टैंड्स फॉर स्टमक, यानी जो डाइजेशन से रिलेटेड हो, और वैस्कुलर का मतलब जिसमें वेजल्स वगैरह मौजूद हों। क्योंकि फाइलम पॉलीफरा के जो एनिमल्स हैं ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स मौजूद हैं, इनमें किसी तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं होता। ठीक है, और इसी वजह से इनके अंदर जो इनकी बॉडी का इंटरनल पार्ट है बिल्कुल एक होलो सा होता है, खोखला सा होता है, और वो एक कैविटी की तरह होता है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। जितना भी इनका बॉडी सिस्टम है, जो इनकी डाइजेशन, इनकी रिप्रोडक्शन, इनकी एक्सक्रीशन, सब कुछ कहाँ पर होना है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होना है। और इसकी इस कैविटी को एंट्रॉन भी कहते हैं। एंट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर की एंटर में अंदर की तरफ मौजूद होती है। ठीक है, किसके अंदर ये होती है? फाइलम पॉलीफरन पॉलीफ्रा यानी पॉलीफ्रेंस के अंदर ये पाई जाती है। पॉलीफ्रा में ज़्यादातर जो एनिमल्स आते हैं उन एनिमल्स को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये सारे क्या कहलाती हैं? स्पॉन्जेस कहलाती हैं। और स्पॉन्जेस जो होंगी इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। नंबर टू, डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉलिप और मेड्यूसी में क्या डिफरेंस है? पॉलिप और मेड्यूसी, जैसे कि आपको पता है प्लांट्स में जिस तरह से लाइफ साइकिल चलता है, आधा टाइम प्लांट किसी और फॉर्म में रहते हैं, आधा टाइम जो है किसी और फॉर्म में रहते हैं, कभी स्पोरोफाइट आ जाता है, कभी गैमेटोफाइट आ जाता है, ऐसे ही है ना। इसी तरह से पॉलीफरेंस एनिमल्स के अंदर भी दो लाइफ साइकिल चलते हैं। एक स्पेशल टाइम के अंदर पॉलीफरेंस जो हैं पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और एक स्पेशल टाइम में ये मेड्यूसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जब ये पॉलिप लाइफ गुजार रहे होते हैं, पॉलिप की फॉर्म में लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो इनकी बॉडी जो होती है लॉन्ग और ट्यूबुलर बॉडी होती है। ठीक है, लंबी होती है इस तरह से, ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है और इस तरह से लॉन्ग नेचर इसकी होती है, समझ लगी बात? ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पॉलिप से मेड्यूसी लाइफस्टाइल में आते हैं तो मेड्यूसी लाइफस्टाइल में इनका जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, और ये बेसिकली जेलीफिश नहीं होती जिस तरह से, तो उस तरीके से अम्ब्रेला शेप इनकी बॉडी बन जाती है। मेड्यूसी की बॉडी की शेप कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप होती है इसकी बॉडी, जेलीफिश की तरह, समझ लगी बात? ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? पॉलिप का जो बेसिकली काम होता है इट इज़ बेसिकली न्यूट्रिटिव इन नेचर। न्यूट्रिटिव का मतलब इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फूड इधर उधर से इकट्ठा करवाना, और स्पंज को मैक्सिमम अमाउंट में फूड इकट्ठा करके दे देता है। कौन? पॉलिप। इसके ऊपर टेंटिकल्स लगे होते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि टेंटिकल्स जो होंगे बेसिकली क्या करेंगे? इधर उधर से पानी में से फूड कलेक्ट करेंगे और इसकी बॉडी के अंदर, मतलब इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंटर कर देते हैं, समझ लगी बात की? जबकि जो मेड्यूसी होता है इसका काम क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम मेड्यूसी को इस्तेमाल करते हैं, यानी जब जो पॉलीफरन एनिमल होगा जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगेगा तो उस तरह किस फॉर्म में होगा? ये मेड्यूसी फॉर्म में होगा। पॉलिप जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये ससाइल होता है, मतलब ये ज़मीन के ऊपर या किसी चट्टान के सपोर्ट पर ये जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो पॉलिप जैसे ही मेड्यूसी में कन्वर्ट होता है, इसकी शेप वगैरह बदलती है, तो मेड्यूसी जो होता है ये फ्रीली फ्लोटिंग होता है, ये स्विम कर सकता है, ये पानी में स्विमिंग करता है और स्विमिंग के साथ साथ ये रिप्रोडक्शन करवाता है, समझ लगी बात? तो ये मैंने आपको चंद एक डिफरेंसेस बताए। ये भी कहा जाता है कि कुछ स्पॉन्जेस के अंदर पॉलिप न्यूट्रिटिव इन नेचर है और मेड्यूसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, लेकिन ज़्यादातर स्पॉन्जेस के अंदर पॉलिप जो है एक्ट करता है एज अ मेल और मेड्यूसी एक्ट करता है एज अ फीमेल। ये भी कुछ जगह पर कहा जाता है, ये भी एक डिफरेंस है कि कुछ स्पॉन्जेस के अंदर पॉलिप एज अ मेल कंसिडर होता है और मेड्यूसी एज अ फीमेल कंसिडर होता है। इट्स क्लियर, समझ लगी?
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफरेंस बिटवीन पिनाकोसाइट्स एंड क्वेनोसाइट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको स्पॉन्जेस में से ही मिलेगा, पॉडिफ्रेंस में से। पिनाकोसाइट और क्वेनोसाइट ये दोनों सेल्स हैं पॉडिफ्रेंस के, यानी स्पॉन्जेस के। स्पॉन्जेस की बॉडी जो होती है इनकी दो लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर जो होती है ये स्पेशल किस्म के सेल्स की बनी होती है और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्स, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर बनती है पिनाकोसाइट से, इस लेयर को हम कहते हैं पिनोकार्डियम, ठीक है। पिनाको से क्या नाम आ जाता है, पिनोकार्डियम, ठीक है। पिनोकार्डियम का मतलब क्या होता है कि एक लेयर बन गई, एक एपिडर्मिस लाइक इनकी आउटर कवरिंग बन गई, समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरे हैं क्वेनोसाइट्स, क्वेनोसाइट बॉडी के अंदर की तरफ, मतलब एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। जितनी भी हमने इस एनिमल ने फूड वगैरह गेन करना है, वो सारा फूड वगैरह डाइजेस्ट होना, गेन करना, ये सारा कहाँ पर होता है, क्वेनोसाइट्स के अंदर होता है। तो मतलब कि आपको याद होगा, आपने पीछे जब फंगाइल्गी और फंगाई वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने एक पढ़े थे एनिमल्स क्वेनोफ्लैजिलेट, याद है। और वहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि क्वेनोफ्लैजिलेट रिजेंबल्स विद द स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस से रिजेंबल करते हैं, क्यों करते हैं, कि क्वेनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर स्पॉन्जेस के क्वेनोसाइट्स से मिलता है, ठीक है। क्वेनोसाइट्स की जो शेप आपको याद होगा, क्वेनोफ्लैजिलेट्स कैसे थे कि इस तरह से, मिसाल के तौर पर इस तरह से इनकी बॉडी आई थी और इनकी सरफेस पे ऐसे क्या लगे थे, फ्लैजेला लगा हुआ, ठीक है ना। इस तरह से ये यहाँ से बॉडी आती थी और यहाँ फ्लैजेला, यहाँ से बॉडी आती थी इधर फ्लैजेला, और एंड पे जाके एक स्टॉक से नीचे जुड़े होते थे, फसाइल थे, लेकिन इनके फ्लैजेला जो थे वो इनको क्या करते थे, फ्लैजेला इनकी मदद करते थे फूड को ट्रैप करने में, ऐसे था। क्वेनोफ्लैजिलेट्स की तरह क्वेनोसाइट्स भी ऐसे ही करते हैं, स्पॉन्जेस की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, यानी इनर सेल्स जो होते हैं स्पॉन्जेस के, जो इनके फूड को पकड़ने में, इनमें भी फ्लैजेला होंगे वैसे ही, ये फ्लैजेला मूव करते हैं, ट्रैप करते हैं फूड को, पानी होता है क्योंकि पानी ही इनकी बॉडी में आ रहा है जिसके अंदर फूड मौजूद है, और ये पानी के जरिए ही उस फूड को अपने अंदर ले जाते हैं, कौन लेकर जाते हैं, क्वेनोसाइट्स, समझ लगी बात की। अच्छा, उसके अलावा अब इनका फूड क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्पॉन्जेस का फूड क्या होता है। स्पॉन्जेस खाती हैं फाइटोप्लैंकटन्स, सिंपल प्लैंकटन्स, छोटे छोटे प्रोटोजोआ, टाइनी प्रोटोजोआ जो होते हैं जो पानी के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, ये उनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। फाइटोप्लैंकटन्स क्या होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक या टाइनी एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को ये फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा जी, उसके अलावा नेक्स्ट टर्म देखें, डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम में क्या डिफरेंस है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम ये दोनों ओपनिंग्स हैं, किसकी ओपनिंग्स हैं, स्पॉन्ज की, मतलब पॉडिफ्रेंस की। पॉडिफ्रेंस एनिमल्स जो होते हैं इनकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ऑस्टिया कहलाती है, एक ऑस्क्यूलम कहलाती है। ऑस्टिया ये वो ओपनिंग होती है जिसके जरिए पॉडिफ्रेंस के अंदर वाटर एंटर होता है, क्योंकि पानी में रहती है ना स्पॉन्जेस और कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर पानी आ रहा है। अब याद रखें, जो भी इन्होंने फूड खाना है, इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, सब कुछ पानी में हो रहा है। इसी तरह से इन्होंने जो वेस्ट मटीरियल रिलीज करना है वो भी पानी के जरिए ही बाहर आना है, ठीक है। तो ऑस्टिया ये वो ओपनिंग है स्पॉन्जेस की जिसके जरिए वाटर अंदर एंटर होता है, और ऑस्क्यूलम ये वो ओपनिंग है स्पॉन्जेस की जिसके जरिए वाटर आउट होता है, पानी इनकी बॉडी से बाहर निकलता है, उस ओपनिंग को ऑस्क्यूलम कहते हैं, और जिस ओपनिंग से अंदर आता है उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑस्टिया का नाम देते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म है भी गैमन्यूल्स, गैमन्यूल्स बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैथड है, दिस इज अ मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मेड्यूसी फॉर्म में आती है तो सेक्सुअल होती है, और पॉलीफॉर्म में ज़्यादातर के अंदर ये एसेक्सुअल है, लेकिन कुछ स्पॉन्जेस में पॉलीप जो है वो एज अ मेल कंसिडर हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो जो गैम्यूल्स होते हैं ना, गैम्यूल्स ये बेसिकली हैं, ये बडिंग की तरह होते हैं। बडिंग आपको याद होगी एसेक्सुअल मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बड बनती है और उस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो डिटैच होकर पानी में वापस आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। अगर वो बड जो है, नॉर्मल बडिंग भी करते हैं ये, यानी इनकी बॉडी के बाहर एक बड बनी और उससे एक नया जानदार निकल आए, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ स्पॉन्जेस ऐसी हैं जिनकी बॉडी के अंदर की तरफ बड बन जाती है, ठीक है। अंदर की तरफ मतलब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर उभार बनता है, और अंदर ही अंदर उस उभार से नया इंडिविजुअल बनता है। जब वो इंडिविजुअल पूरा बन जाता है, एक बेबी स्पॉन्ज बन जाता है, तो वो पानी के जरिए ही बाहर आ जाता है, और बाहर आके किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है।
समझ लगी। तो ये जो अंदर की तरफ इनर बडिंग होना है, इस प्रोसेस को, इस बड को क्या कहते हैं, गैमनियोल्स का नाम देते हैं, समझ लगी। अगर बाहर होती हो तो सिंपल बडिंग है, लेकिन अगर अंदर की तरफ बड बने जिससे एसेक्सुअली नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो तो वो क्या कहलाएगा, गैमनियोल्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। थर्मोफ्रोडाइट, ये मैंने आपको पहले प्लांट्स में भी बताया था, प्लांट्स में भी ये नेचर होती है और कुछ एनिमल्स में भी ये नेचर पाई जाती है। हर्माफ्रोडाइट आर दोज एनिमल्स दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल ऑर्गन भी मौजूद हो, फीमेल ऑर्गन भी मौजूद हो, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। समझ लगी बात की। जैसा कि अभी हमने देखा एक ही स्पॉन्ज के अंदर जो है मेल भी आ रहा है और फीमेल भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। समझ लगी, क्लियर हो गया, आपको कोई इश्यूज है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखे प्रोटेंड्रस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटेंड्रस। ये तो हमें बात क्लियर है भाई कि स्पॉन्जेस होती ही हर्माफ्रोडाइट है, मतलब उन्हें पॉलिप भी बनना है और मेड्यूसी भी बनना है। ऐसा हो ही नहीं सकता एक स्पॉन्ज सारी जिंदगी मेड्यूसी में रह ले और एक स्पॉन्ज सारी जिंदगी पॉलिप ही रहे, ऐसा नहीं होता, दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे स्पॉन्जेस जिनके अंदर होते तो वो हर्माफ्रोडाइट है लेकिन पहले मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करे बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करे, तो ऐसे स्पॉन्जेस को कहते हैं प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस ये वो स्पॉन्जेस होती हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो पहले डेवलप करते हैं। ठीक है, इनिशियली मेल ऑर्गन डेवलप होगा, बाद में फीमेल ऑर्गन डेवलप होगा। ऑर्गन सारी बात है, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, मैंने आपको बताया, मतलब मेल कैरेक्टर पहले आएगा इनमें, फीमेल कैरेक्टर बाद में आएगा। तो ऐसे स्पॉन्जेस को क्या कहते हैं, प्रोटेंड्रस। यानी हम कह सकते हैं कि पॉलिप पहले बनता है, पॉलिप से मेड्यूसी बनता है, ये एक साइकिल चलता रहता है ना, पॉलिप से मेड्यूसी बनता है, फिर मेड्यूसी से पॉलिप बनता है, फिर पॉलिप से मेड्यूसी बनता है, ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन ऐसे स्पॉन्जेस जिनमें पहले पॉलिप बने, पॉलिप से मेड्यूसी बने, वो क्या कहलाएंगे, प्रोटेंड्रस कहलाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म, एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, चंद एक आपकी बुक में भी बताई हुई हैं, जैसे साइकॉन स्पॉन्जेस हैं जो कि मरीन स्पॉन्जेस यानी समुद्रों में रहती हैं, इसी तरह से ल्यूकोसरेनिया है, ये वो स्पॉन्जेस हैं जो कि इरेक्ट क्यूब्स की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी लंबी लंबी क्यूब्स बना लेती हैं ये। ठीक है, फिर इसी तरह से यू प्लेक्टेला है, ये बड़ी ब्यूटीफुल और डेलिकेट स्पॉन्जेस होती हैं। ठीक है, और ये ग्लासी फ्रेमवर्क, शीशे के आपने देखा होगा जो शीशे के डेकोरेशन पीसेस वगैरह कलरफुल बनाए जाते हैं, ये इन स्पॉन्जेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बड़े खूबसूरत, आपने कार्टून्स और मूवीज में भी देखा होगा कि बाजू का पानी के नीचे आपको कलरफुल चट्टानें नजर आती हैं। ठीक है, वो ये स्पॉन्जेस होती हैं, और वो कौन सी हैं, यूप्लेक्टेला। इसी तरह स्पॉन्जिला, ये बड़ी मशहूर और कॉमन स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेक पॉन्ड्स में से मिल जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ पॉरीफ्रेंस। स्पॉन्जेस का फ़ायदा क्या है, स्पॉन्जेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, स्पॉन्जेस जो हैं ये फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट किस्म के जानदारों के लिए, बहुत से जानदार इसे एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा ये कि हम भी अपनी इकोनॉमिकल लाइफ के अंदर स्पॉन्जेस को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं इसे, जो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा शायद, आम लैंग्वेज में से चावा कहते हैं, चावा देखा है ना, जो पाँव वगैरह साफ करने में इस्तेमाल होता है ना, तो वो बड़ा वो देखने में पत्थर लाइक है, ऐसे ही है, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे पॉड्स बने होते हैं, वो रफ़ी से होते हैं जो वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, वो स्पॉन्ज है। ठीक है, स्पॉन्जेस जब डेड कर जाती हैं वो हार्ड स्टोन लाइक हो जाती हैं, और वो स्टोन लाइक जो होती है ना वो फिर इन पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं। समझ आएगी। तो वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग पर्पस, ये भी क्या है कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, तो हम ये स्पॉन्जेस को वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग्स के अंदर साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो दीवारें वगैरह जब बनाते हैं तो उनमें स्पॉन्जेस का पाउडर करके, यही स्टोन का, इनके स्टोन्स का पाउडर करके वो सीमेंट में मिक्स कर देते हैं, वो क्या करता है, बाहर वाली आवाज़ों को क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो शोर नहीं आता, दरवाज़ा बंद है तो कोई शोर अंदर नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस, सर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती हैं स्पॉन्जेस, फ्लूड और ब्लड वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके फ़ायदे हैं, ये बहुत सारे बुक्स में लिखे हैं आपके, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने चंद एक बता दी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फाइलम पॉरीफ्रेंस इस पॉइंट पर ख़त्म हो गया, अगला फाइलम हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, और इस फाइलम को हम नाइडेरियंस कहते हैं।
नाइजेरियंस में जो इम्पोर्टेंट एएलपी के अकॉर्डिंग टर्म्स हैं उनमें सबसे पहली टर्म गैस्ट्रोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड्स क्या होता है? अच्छा, एक और बात याद रखें आप कि ये जो गैस्ट्रोजॉइड्स की टर्म है ये हम फाइलम पॉलीफ्रेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। पॉलीफ्रा यानी स्पॉन्जेस में भी ये टर्म इस्तेमाल होती है। पॉलिप क्या होता है ना, पॉलिप क्योंकि पॉलिप की बात की तो ये न्यूट्रिटिव इन नेचर है, न्यूट्रिशन को कंट्रोल करता है, इसी वजह से पॉलिप जो होता है इसे हम गैस्ट्रोजॉइड भी कहते हैं। पॉलिप का दूसरा नाम गैस्ट्रोजॉइड है। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रिक से निकला, स्टमक, डाइजेशन, फूड लेना, तो इसलिए पॉलिप को ही गैस्ट्रोजॉइड का नाम दिया जाता है। समझ आएगी बात, क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके आगे नेक्स्ट टर्म आती है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है? ये वो नाइजेरियंस हैं, नाइजेरियंस का मतलब फाइलम नाइजेरिया के एनिमल्स होते हैं। ये वो नाइजेरियंस हैं जो कि क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये वैसे तो फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, और ये फ्रीली फ्लोटिंग होंगे जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो ये दोनों कर सकते हैं, ये एट अ टाइम सेक्सुअल भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं और इनकी रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उस नए इंडिविजुअल को हम कहते हैं जूओइड। ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ वो नया इंडिविजुअल क्या कहलाता है, जूओइड कहलाता है। जूओइड कहते हैं फ्रीली फ्लोटिंग इंडिविजुअल, वो एनिमल जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहा हो पानी में वो जूओइड कहलाता है। समझ लगी बात की? तो ब्लास्टोस्टाइल ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जब ये ग्रो करे, रिप्रोडक्शन करे और रिप्रोडक्शन के नतीजे में अपने नए जोइड्स बनाए, तो ऐसे और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल्स कहते हैं। समझ लगी बात की जी? नहीं, ये वो फाइलम पॉलीफ्रा का ही है, नाइजेरिया में नहीं है, उसकी टर्म जोइड है ये, ठीक है, समझ आ गई सबको। तो जो गैस्ट्रोजॉइड्स हैं ये फाइलम पॉलीफ्रा में हैं, जबकि जॉइड्स जो हैं ये फाइलम नाइडेरिया के अंदर टर्म आते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तो जॉइड्स जो हैं ये कब बनते हैं, जब ब्लास्टोसाइट रिप्रोडक्शन करे, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे से, यूजली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जब आगे मजीद इंडिविजुअल्स बनते हैं इनके, तो वो जॉइड्स कहलाते हैं क्योंकि वो फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल ब्लास्टोसाइट की एग्जाम्पल है ओबिलिया, ओबिलिया एनिमल। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे बेलें नहीं होती, प्लांट की बेल नहीं होती जो दीवार के साथ साथ चढ़ती जाती है, तो ये देखने में उसकी तरह लगता है, प्लांट की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एनिमल है, ठीक है। और ये एसेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल भी करता है। एसेक्सुअली जब ये करेगा तो इसका ओबिलिया का वो पोर्शन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ब्लास्टोस्टाइल कहलाएगा, और उससे जो नया इंडिविजुअल, नया छोटे ओबिलिया बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, जॉइड्स कहलाएंगे। ओबिलिया एक वक्त में बहुत सारे जॉइड्स बनाता है और ये कलोनी बन जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ओबिलिया जो होते हैं ये कलोनी की फॉर्म में रहते हैं। समझ लगी बात की? इसके अलावा और भी नाइजेरियंस की एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा का तो आपने नाम सुना होगा, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो जुड़ा रहता है और बडिंग के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करता है, ऐसे ही है। इसी तरह जेलीफिश, जेलीफिश का भी आपने नाम सुना होगा, तो जेलीफिश जो होती है ये भी फाइलम नाइजेरिया में आती है, ठीक है, ये फिश नहीं है, ये एक नाइजेरियन है। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, आगे देखें, एक टर्म है कोरल रीफ्स एंड कोरल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरल रीफ्स और कोरल में क्या फ़र्क है, ठीक है, कोरल्स और कोरल रीफ्स में क्या फ़र्क होता है। कोरल्स सबसे पहली बात क्या होती है, हम वो देखते हैं। कोरल्स बेसिकली कहते हैं कि फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं, फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर्स हैं, जब ये मेंबर्स जो हैं ये डेड कर जाते हैं, ठीक है, हर मेंबर नहीं, इनके कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं, जब ये डेड कर जाते हैं तो ये स्टोनी स्ट्रक्चर बना देते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं, स्टोन लाइक हो जाते हैं, और ये ज़मीन के ऊपर यानी समुद्र की जो ज़मीन है या चट्टानें उनके ऊपर जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोरल्स कहलाते हैं। और जब ये बहुत सारे कोरल्स मिल जाएं और एक पूरा मैस बन जाए, एक कलरफुल चट्टानों का मैस बन जाए, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी कि पानी के अंदर कोई रेड कलर का बड़ा सा पहाड़ आ गया, कोई ग्रीन कलर का आ गया, कोई रंग बिरंगा पहाड़ आ जाता है, ये पूरा जो एक पहाड़ होता है ना कलरफुल, ये कोरल रीफ कहलाता है। समझ लगी बात की? कोरल रीफ जो होता है ये पूरा मैस है जो मुख्तलिफ कोरल्स के आपस में मिलने से बना, और एक कोरल जो कि एक नाइजेरियन के डेड करने से बनी। स्पेशल कैटेगरीज हैं नाइजेरियंस की जो कि डेड करते हैं तो वो स्टोनी फॉर्म में आ जाते हैं और वो इकट्ठे होकर कोरल्स बनाते हैं, और ये सारे इकट्ठे होंगे तो कोरल रीफ बन जाएगा पूरा। समझ लगी बात? उसके अलावा नेक्स्ट टर्म है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रा।
हाइड्रा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता है, ये एसेक्स रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के ज़रिए, इस ये ससाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं इसी तरह से, और ये फूड वगैरह को पानी के ज़रिए क्या करेगा, ट्रैप करेगा और अपने अंदर ले जाएगा। इनका फूड ही वही होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स खाएगा, प्लैंक्टन्स खिलाएगा, फिर उसके अलावा प्रोटोजोआ वगैरह छोटे छोटे, तो टाइनी ऑर्गेनिजम्स वगैरह को ये एज अ फूड इस्तेमाल करेगा। लार्वी वगैरह कुछ होंगे उनको फूड के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। उसके अलावा आप बुक में मजीद देख सकते हैं। आगे देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स की क्या प्रॉपर्टीज है? फ्लैट वर्म की नेक्स्ट फाइलम आ गया, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस। फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। इन्हें फ्लैट वर्म्स क्यों कहा जाता है? इन्हें फ्लैट वर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो डोर्सल और वेंट्रल साइड्स होती है दोनों एक दूसरे के साथ चिपकी होती है, इनकी बॉडी ऊपर और नीचे से दोनों बिल्कुल फ्लैट होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स का नाम दिया जाता है। डोर्सल और वेंट्रल का मतलब, डोर्सल मीन्स डोर्सल का मतलब पीछे वाली साइड और वेंट्रल का मतलब ये आगे वाली साइड, ठीक है। ये जो हमारी फ्रंटल साइड है ये हमारी वेंट्रल साइड कहलाएगी और जो बैक साइड है हमारी ये डोर्सल साइड कहलाएगी। तो डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों फ्लैट, हमारी फ्लैट्स नहीं है, ऐसा ही है ना। इनकी क्या होती है, इनकी आगे वाली और पीछे वाली साइड बिल्कुल दोनों फ्लैट होती हैं, पिचकी होती है एक दूसरे के साथ, इसी वजह से इन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं, क्लियर। इनकी बेस्ट एग्जांपल जो आपने बड़ी सुनी होगी, प्लेनेरिया, याद है, जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया जो होता है ये क्या है, ये एक फ्लैट वर्म है। उसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल। और एक और बात आपने याद रखनी है, ऑल द फ्लैट वर्म्स आर पैरासिटिक इन नेचर एक्सेप्ट प्लेनेरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस फाइलम की, कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितनी भी फ्लैट वर्म्स आते, सारी पैरासाइट्स हैं, किसी ना किसी की बॉडी में रहेंगे कि और उसको नुकसान पहुँचाएंगे, उससे फ़ायदा लेंगे। लेकिन जो प्लेनेरिया होता है ये फ्रीली फ्लोटिंग होता है, ये पानी में फ्रीली स्विम करता है, ये पैरासाइट नहीं है। समझ लगी बात, क्लियर हो गया। अच्छा भी उसके अलावा और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने देख लेनी है। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, सेक्सुअल भी होती है इनके अंदर। इनकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है, इनके अंदर भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब तक जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, सब में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, नाइडेरियंस में भी यही होती है, इनमें भी यही, पॉरीफेरंस में भी यही, क्लियर। इनके फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस। अच्छा भाई, उसके अलावा इन एनिमल्स की और करेक्टरिस्टिक्स देखें हम, तो इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल किस्म के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो सेंस ऑर्गन्स इनको सेंस करवाते हैं। इनकी ये जो हम जैसे प्लेनेरिया में जो आपको आंखें नज़र आ रही हैं, ये आंखें नहीं हैं इसकी, इनको नज़र नहीं आता, लेकिन ये कहलाते हैं आई स्पॉट ही हैं, इन्हें हम आई स्पॉट कहते हैं। बट ये रियल आई नहीं है क्या, इनसे ये देखता हो, इन्हें नज़र नहीं आता। इनकी इस आई स्पॉट के अंदर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम सेंसर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सेंसर्स जो होते हैं, ये इन सेंसर्स के ज़रिए ये क्या करती हैं, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। कोई केमिकल नेचर में चेंज आ रहा है तो उस केमिकल इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट डिटेक्ट करती हैं, पता लगता है केमिकली कोई चेंज आ रहा है, ये फ़ौरन भाग जाएगा। अगर उसे पता लगा कोई प्रेडेटर है इसका नुकसान होने वाला है तो भाग जाएगा। अगर इसे पता कोई फूड आ रहा है इसके पास तो वो उसकी तरफ चला जाएगा उसका फूड पकड़ने के लिए। तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो इस केमिकल सेंस को ही यूज़ करके तो जो है इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारता है। तो देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है, किस तरह से सर्वाइव करते हैं। सॉरी, हाँ, लेकिन ये आंखें नहीं उसकी होती, आई स्पॉट कहते हैं इन्हें कि आंखों की तरह लगता है, लेकिन असल में इनके अंदर ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो सेंस का काम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखिए एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दिखाई हैं या ग्रुप्स के नाम के लिहाज से। जैसे सबसे पहली है ड्यूजीसिया। ड्यूजीसिया प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है, पेज नंबर 177 पर। फिर नेक्स्ट है फेस्कियोला, जिन्हें हम लिवर फ्लूक कहते हैं। लिवर फ्लूक क्या होती हैं, ये लिवर के ऊपर जाकर अटैच हो जाती है, ख़ास तौर पर कैटल्स, ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स वगैरह के अंदर जो है ये एज अ पैरासाइट काम करती हैं और लिवर का अल्सर कर देती हैं, ठीक है। लिवर से जाके चिमट जाती हैं और लिवर से ब्लड सक करती रहती है और लिवर में ज़ख्म कर देती हैं। पिटीनिया, जिसे हम टेप वर्म भी कहते हैं, ये आपको साइड पर नज़र आ रही है, टेप लाइक फीते की तरह ये होती है और ये भी एक पैरासाइट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जाकर लग जाता है
और ये वहाँ से ब्लड को और फूड वगैरह को सक करता रहता है, ठीक है। सिर्फ ड्यूजीसिया जो है ये फ्रीली फ्लोटिंग है, बाकी सारे पैरासाइट हैं। आगे आती हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अडॉप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। एक जानदार जो है अगर वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ अपना रहा है तो उसकी बॉडी में ऐसे कौन कौन सी अडॉप्टेशन हैं जिनको वो फॉलो कर रहा है, तो उनकी अडॉप्टेशन आपको पेज नंबर 178 बुक पर मिलेंगी। और उन अडॉप्टेशन जैसे शॉर्ट में है तो कोई सी चार, और अगर यही टॉपिक लॉन्ग में आ जाए तो आपने फिर सारी बतानी होगी। जैसा कि इनकी अंदर एपिडर्मिस नहीं होती, अगर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होगा तो एपिडर्मिस नहीं होगी इनकी बॉडी के अंदर, और इनकी बॉडी के इर्द गिर्द क्यूटिकल की प्रोटेक्शन मौजूद होगी ताकि जब वो बॉडी में जाएँ होस्ट की तो होस्ट के इंजाइम्स वगैरह उसको डैमेज ना कर दें। उसके अलावा दे हैव डिवेलप एडहेसिव ऑर्गन्स, इनके बॉडी के ऊपर एडहेसिव चिमटने वाले ऑर्गन्स होते हैं, या तो हुक्स होती हैं या सक्कर्स होते हैं, सक्कर के साथ वो चिमट जाते हैं या हुक के साथ वो लटक जाते हैं अपने पैरासाइट की बॉडी के साथ, ठीक है। इसी तरह से डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, इनमें कोई प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं इनके अंदर होता, ठीक हो गया। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम सिंप्लीफाइड ड्यू टू इंक्रीज डिपेंडेंस अपॉन होस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका इतना अच्छा डिवेलप नहीं होता, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सारा काम तो किससे करवाना होता, होस्ट से, होस्ट ने फूड डाइजेस्ट करना है और वो इन्होंने खा लेना, समझ लगी, इसलिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ये रिड्यूस रखते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओवा आर प्रोड्यूस इन ह्यूज नंबर टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। इनमें एग जो होते हैं, ओवा जो होते हैं, बड़ी तादाद में बनते हैं, एक वक्त में सैकड़ों अंडे देते हैं, ठीक है, जो ये फ्लैटवर्म्स होती हैं, और बहुत तादाद में इनके बच्चे पैदा होते हैं, और जो कि इनकी जनरेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं, और पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए बड़ी ज़रूरी है, और फिर उतना जल्दी ये नुकसान पहुँचाएगा बॉडी को, होस्ट को, ठीक है। उसके अलावा कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन होस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर पैरासिटिक अडॉप्टेशन। इसी तरह से कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो एक से ज़्यादा होस्ट में रहते हैं, ऐसे ही है ना, जैसे डेंगी वायरस है स्पोस, तो डेंगी वायरस देखें वो मॉस्किटो में भी रहता है और ह्यूमन में भी रहता है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे ये अभी हमने बात की हुक वर्म्स वगैरह, टेप वर्म्स वगैरह, ये आधी लाइफ कैटल्स वगैरह में गुजारती हैं, आधी लाइफ जो है वो ह्यूमंस के अंदर गुजारती हैं, ठीक। तो इस तरह से एक से ज़्यादा होस्ट के अंदर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और इनकी लाइफ का थ्रेट जो है वो भी एक तरह से ज़्यादा हो जाता है, समझ लगी बात। नेक्स्ट टर्म देखें पैपिली। पैपिली बेसिकली क्या होते हैं, पैपिली हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है। पैपिली जो हैं ये बेसिकली सेंसर हैं, खास किस्म के सेंसर होते हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सेंसर का काम क्या होता है जी, बिल्कुल सेंसर होते हैं ये, सॉरी मैंने सेक्स ऑर्गन लिख दिया, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये सेंसर्स हैं जो कि बॉडी के ऊपर, अब ये सेंसर मुख्तलिफ शक्ल में होते हैं, ये ब्रिसल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये थॉर्न्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटों की फॉर्म में, ब्रिसल्स का मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप शहद की मक्खी को देखें तो अगर उसको माइक्रोस्कोपिक देखें तो उसके मुँह के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो उसके पेपली कहलाते हैं, वो सेंसर्स हैं जो कि सेंस करते हैं इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, एयर को सेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं एयर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना है। इसी तरह बॉडी के और एनवायरनमेंट को सेंस कर लेते हैं जो होस्ट होता है, उस तरीके से फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इनका जो मेन जो है वो क्या है, पेपली, जो कि इनकी बॉडी के ऊपर सरफेस पे पाए जाएंगे और ये सेंसर का काम करेंगे। और ये किस जगह पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड। एंटीरियर का मतलब बता दें, शाबाश, हेड रीजन, ऊपर वाला रीजन जो होता है ये एंटीरियर एंड कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन पोस्टीरियर एंड कहलाता है। तो ये एंटीरियर मतलब हेड रीजन वाली साइड पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम क्या होता है, प्रोस्टोमियम बेसिकली कहते हैं कि जो ये अब हम जो बात करने जा रही है, जो बातें कर रहे हैं पैपिली से जो हमने स्टार्ट की है, मैं आपको बता दूं ये फाइलम एनालिडा की आ रही है ये सारी अडॉप्टेशन, ठीक है। फाइलम एनालिडा को देख रहे हैं हम, तो फाइलम एनालिडा में पहली हमें पैपिली कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है एएलपी के अकॉर्डिंग, और दूसरी का प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम क्या होता है, फाइलम एनालिडा बेसिकली के जो मेंबर्स होते हैं ये, इन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं, सॉरी फाइलम नेमाटोडा, फाइलम नेमाटोडा के जो मेंबर्स हैं ये क्या कहलाती हैं, राउंड वर्म्स कहलाती हैं। और इनके जो जो मेंबर्स हैं ना, नेमाटोड्स भी इन्हें कहते हैं,
इन निमाटोड्स की बॉडी जो है इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। ये बेसिकली वॉर्म लाइक है, यानी इस तरह से होती हैं वॉर्म की तरह, ठीक है। लेकिन इनकी जो इंटीरियर एंड होता है ना बॉडी का, वो थोड़ा सा स्वॉलन होता है इस तरह से, ठीक है। और जो एंटीरियर एंड इसका होगा वो एंटीरियर एंड क्या कहलाता है, प्रोस्टोमियम कहलाता है। असल में यही वो एंड होगा जिसके ज़रिए अपना फूड लेंगे और जो भी इन्होंने काम करना होगा, यानी आप समझ लें कि जो इनका मेन पोर्शन होता है वो कौन सा है, एंटीरियर एंड, जिसे हम प्रोस्टोमियम का नाम देते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है भाई नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होते हैं, नेफ्रीडिया बेसिकली आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन निमाटोड्स, ठीक है। इन एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया ये किसके अंदर आ रहे हैं, एनालिट्स के अंदर। मैं आगे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। निमाटोड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ ख़त्म हो गई, दो बातें की हैं, एक पेपली और एक प्रोस्टोमियम, ठीक है। नेफ्रीडिया किसके अंदर पाए जाते हैं, फाइलम एनालिडा के मेम्बर्स में, एनालिट्स के अंदर। ये भी वॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर अर्थवर्म भी आता है, इसकी एग्जाम्पल नेफ्रीडिया की एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। तो इनकी बॉडी के अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया क्या, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी इनकी बॉडी में कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन स्पेशल किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नेफ्रीडिया कहते हैं, जिनके ज़रिए अपनी एक्सक्रीशन वगैरह करते हैं, ठीक है। और ये नेफ्रीडिया को अगर हम ओपन करके देखें तो माइक्रोस्कोप के नीचे इनके जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली हमें ऐसे नज़र आते हैं जैसे मोमबत्ती का शोला नहीं फ्लिकर करता, उस तरह से। इसी वजह से इनके सेल्स को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। समझ लगी बात को, क्लियर हो गया। अच्छा अभी नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स इन एनालिस। फाइलम एनालिडा के जो मेंबर्स हैं इनकी बॉडी दो तरह के मसल्स की बनी होती है, एक होते हैं इनमें सर्कुलर मसल्स और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। दोनों मसल्स मिलकर इनकी बॉडी की लोकोमोशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो कौन कंट्रोल करेंगे, दोनों मसल, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, क्लियर। अच्छा अब ये कैसे करते हैं, एक कंट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। जब लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स कर जाते हैं, बॉडी आगे मूव करती है। फिर सर्कुलर कंट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करते हैं तो बॉडी भी थोड़ा और आगे मूव करती है। तो इस तरह, यानी अगर ये पोर्शन जो है कंट्रैक्ट ही है, ये सारा रिलैक्स है, फिर ये वेव आगे जाएगी, ये इतना हिस्सा कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ये सारा रिलैक्स हो गया, ये भी रिलैक्स है। इसी तरह ये आगे वेव जाती है जिसके जरिए बॉडी जो है ये आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकती है। समझ आएगी। तो ये इस तरह इनकी लोकोमोशन में मदद करते हैं। अर्थवर्म भी इसी तरह से करते हैं। बस लास्ट है, उसके बाद क्लासेस है एनालिडा की। एनालिड्स में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, इनके सिर्फ आपने एएलपी के अकॉर्डिंग नाम करने हैं, इन क्लासेस की डिटेल में नहीं जाना। तीन क्लासेस हैं, क्लास पोलिशीटा, क्लास ओलिगोशीटा और क्लास विरियूडिनी, ठीक है। ये तीन क्लासेस आती हैं एनालिड्स के अंदर, क्लियर हो गया। और लास्ट में एक टर्म रह गई थी, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील क्या होती है, ये बेसिकली फाइलम पोरीफ्रा के अंदर आपको मिलेगी। ये जो पीछे रह गई है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फाइलम पोरीफ्रा के अंदर जो इनकी इनर कैविटी है, जैसे हमने गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का स्पॉन्ज थी ना, वो स्पॉन्ज की जो अंदर वाली कैविटी होगी उसे स्पॉन्जोसील का नाम देंगे। और जितना भी वर्किंग है पोरीफ्रेंस की, मैंने आपको पहले ही बताया, स्पॉन्ज की, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, वो सबका सब कहाँ होता है, स्पॉन्जोसील के अंदर होता है। समझ आएगी। तो ये भी देखें आपने, आज हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे ना इस चैप्टर के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपने हर हाल में ज़रूर करनी है, वो हमने तकरीबन तीन चार फाइलम्स की जो है वो डिस्कस कर ली। बाकी नेक्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर भी किसी तरह का भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फ्रीली वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।